गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे आई कंटिन्यू आवर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ड्यू टू केमिकल सब्सटेंसेस। बिसाइड द नर्वस सिस्टम देयर आर सम स्पेशल ग्लैंड्स इन अवर बॉडी विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। नर्वस सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में और स्पेशल ग्लैंड्स होती है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, उस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दिस ग्लैंड सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन एंड दिस ग्लैंड सीक्रेट अ केमिकल सब्सटेंस। ये ग्लैंड क्या करती है, केमिकल सब्सटेंस तैयार करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और ये हार्मोन्स का क्या काम रहता है, दे कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दोनों कंट्रोल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड से भी नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। यू नो दैट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड आर टेकन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डक्ट्स। डाइजेस्टिव जूस जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड तैयार करती है डाइजेस्टिव जूस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो डिफरेंट ऑर्गन की तरफ पहुंचाया जाता है। वो कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है आपका एक स्पेशल डक्ट। द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज द फैक्ट दैट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड्स आर ट्रांसपोर्टेड विदाउट हेल्प ऑफ एनी डक्ट। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन सीक्रेट कर रही है, तैयार कर रही है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कोई डक की ज़रूरत नहीं होती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड। ये उनके जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं या वो तैयार करती है उनको पहुँचाने के लिए उनको किसी डक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली into bloodstream from where they reach various organs of the body। ये क्या होते हैं, जो ये hormones directly blood में घुल जाते हैं और different organ तक पहुँचते हैं। Next is pituitary gland। This gland is situated just below the brain। हमारे brain के नीचे जो gland होती है उसका नाम है pituitary gland। It is a P-shaped gland। इसका shape कैसा होता है, P-shaped। सबने मटर का देखा होगा, मटर का दाना पी शेप ग्लैंड, एंड पी का आपने वो जो फली आती है उसको भी देखे होंगे। सीक्रेट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स तैयार करती है। दिस हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ अदर ग्लैंड। अदर ग्लैंड में जो भी हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं उनको, उनकी सीक्रेशन के ऊपर कंट्रोल करना, ये काम भी किसका होता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि आपके ब्रेन के नीचे है। और उसका शेप कैसा है, पी शेप। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। और इसी की वजह से इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। जैसे हमने डाइजेस्टिव ये जो आपका डक्टलेस ग्लैंड है इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोला है, वैसे ही आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बिकॉज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय अदर ग्लैंड्स आर क्या होता है, कंट्रोल्ड। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। द मेन हार्मोन सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है उसमें सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो कौन सीक्रेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इट कंट्रोल अवर हाइट। हमारी हाइट के ऊपर जो कंट्रोल है, हाइट, ये कौन किसका है कंट्रोल, ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। यू मस्ट हैव सीन ड्वार्फ्स इन सर्कस और फिल्म्स। जोकर आपने देखे होंगे, जनरली उनका हाइट बहुत कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ।
कैन यू गेस द रीजन फॉर देयर ड्वार्फनेस? तो उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इफ ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड इन एक्सेस, यदि ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो गया तो एक्सेसिव इंक्रीज इन हाइट, आपकी हाइट एकदम ज्यादा बढ़ जाएगी। वाइल अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फनेस, और यदि हाइट वो हार्मोन आपकी बॉडी में कम तैयार हो रहा है तो आपकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। फाइनली आपकी हाइट के ऊपर जो हार्मोन का वर्क करता है वो हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे जो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी क्या करती है, कंट्रोल रखती है। इसीलिए हम इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। दिस इज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। Have you seen this pituitary gland? The shape of the gland is B shape. इस यहाँ पे देखो P shape, इसका shape दिख रहा है आपको P shape. Pituitary gland. Next is thyroid gland. Thyroid gland आप देखो यहाँ पे है गले के पास, thyroid gland. दिख रहा है आप लोगों को। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। गोइटर के बारे में आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हैज़ अ सोलन थ्रोट, उसका गला जो है उसमें स्वेलिंग आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर। दिस स्वेलिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की यदि क्या हो गई है, साइज बढ़ गई है तो उसके ऊपर सूजन आता है और आपका जो थ्रोट है वो कैसा हो जाता है, सूज जाता है, तो उस बीमारी को बोला जाता है गोइटर। दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द थ्रोट, और ये ग्लैंड डेफिनेटली कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड आपके गले में। यहाँ पे देखो ये गले में आप लोगों को दिख रही है, इट इज क्लियरली विजिबल। द हार्मोन सिक्रेटेड बाई दिस ग्लैंड कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है वो क्या करती है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड, और गोइटर मतलब आयोडीन का ज़रूरत होता है यदि थायराइड ग्लैंड का ठीक से फंक्शनिंग होने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। कैन यू गेस व्हाई डॉक्टर्स एडवाइस अस टू टेक आयोडाइज साल्ट इन अवर फूड? इसीलिए डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं, हमेशा आयोडाइज नमक खाइए। बहुत सारे एड्स आते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि आपके नमक में आयोडीन है, या आयोडाइज सॉल्ट आपको क्या करना है, खाना है। यदि पानी में आपको कम मात्रा में आयोडीन मिल रहा है तो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या हो, इसका साइज इंक्रीज ना हो, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग रहे, तो आपको आयोडीन की ज़रूरत है। पैनक्रियाज, यू हैव रीड अबाउट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन। पैनक्रियाज का काम क्या है, फूड का डाइजेशन करना। वन पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड फंक्शन एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाई दिस ग्लैंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड। हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हार्मोन। कौन से हार्मोन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हुए हैं, तैयार हुए हैं। अ शॉर्टेज ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू डिजीज कॉल्ड डायबिटीज, और यदि वो ठीक मात्रा में आपका हार्मोन या ग्लैंड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। शॉर्टेज ऑफ दिस हार्मोन, कौन से हार्मोन का, हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड। ये क्या करता है, हमारी ग्लूकोज का ब्लड में परसेंटेज को कंट्रोल करता है, और उसको हम बोलते हैं, नहीं वो कम मात्रा में रहे तो वो क्या हो जाता है, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन सम पीपल अराउंड यू अवॉइड टेकिंग शुगर एंड शुगरी फूड, सच पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। और जिनको शुगर की बीमारी बोलते हैं, मतलब वो शुगर खाना पसंद नहीं करते और डॉक्टर उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। और ये डायबिटीज़ बीमारी एक्चुअली होती किससे है, तो ये जो हार्मोन है
जो सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यदि वो सीक्रेट नहीं हो रहा है, वो क्या फंक्शन क्या है उस हार्मोन का? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करने वाला जो हार्मोन है, जो कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट कर रही है, वो यदि हार्मोन आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकता है। टेस्टिस एंड ओवरीज, हार्मोन सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल हेयर, हैवी वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मसल इन मेल्स। टेस्टिस की वजह से क्या होता है? बॉयज़ में क्या होते हैं? फेशियल हेयर यानी चेहरे पे बाल आना, हेवी वॉइस, आवाज़ क्या हो जाती है? थोड़ी मोटी हो जाती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मसल्स डेवलप होते हैं इन मेल्स। फीमेल्स में क्या होता है? हार्मोन्स फॉर्म इन ओवरीज में हार्मोन्स फॉर्म होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर, और जिससे फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, डू यू नो दैट प्लांट लाइक एनिमल आर ऑल्सो सेंसिटिव टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम बट स्टिल दे रिएक्ट टूवर्ड्स लाइट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, टच, ग्रेविटेशनल पुल एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स को भी क्या है? दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब आप कोई एडवर्स सिचुएशन दिखती है तो वो रिएक्ट करते हैं। दो दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, हमारे जैसा नर्वस सिस्टम उनके इसमें नहीं है, फिर भी वो लाइट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, टच, ग्रेविटेशनल पुल, इसके लिए रिएक्ट करते हैं। लाइक एनिमल प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन, एनिमल्स की तरह प्लांट के इसमें भी हार्मोन्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। दे मेनली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो क्या कंट्रोल करते हैं? हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ। ग्रोथ सब्सटेंस, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स आर गिवन, ऑक्सिन इन्फ्लुएंस ग्रोथ इन प्लांट, जिबरलिन इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग, साइटोकिनाइन इन्फ्लुएंसेस सेल डिविजन, एबिस्किस एसिड स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग द फुल साइज। ये सारे जो नाम से ये प्लांट हार्मोन्स है और इनके फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो प्लांट में होता है वो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। देन जिबरलिन हार्मोन क्या करता है? प्लांट के इसमें जो फूल आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें ये आपको हार्मोन देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग, कितने फूल, मतलब ज़्यादा फूल आते हैं, कम फूल, वॉट एवर, दैट कंट्रोल बाय जिबरलिन हार्मोन। देन साइटोकिनाइन इन्फ्लुएंसेस सेल डिविजन, मतलब एक पौधे से अनेक पौधे जो बनाते हैं, जो सैपलिंग तैयार करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पौधे बनाते हैं, साइटोकिनाइन हार्मोन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एबिस्किस एसिड, ये जो है, या प्लांट का जो ग्रोथ यदि पूरा हो गया है तो उसके बाद उसका आगे ग्रोथ ना हो, इसके लिए ये क्या करता है, मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये हार्मोन। इस तरह से चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। यू रीड द चैप्टर। थैंक यू।